तो आज हम आपको बताएंगे कि एक लीटर बिलोना घी बनाने के लिए कितने दूध का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि कितने लीटर दूध का इस्तेमाल करके एक लीटर बिलोना घी बनाया जाता है तो जैसा कि आपको पता है कि जो क्रीम वाला जो घी होता है उसको बनाने के लिए काफ़ी कम दूध का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें तो दूध को घुमा के उसकी क्रीम निकाल ली जाती है और उसमें काफ़ी कम दूध में ही एक लीटर घी बन जाता है बट जो बिलोना मेथड से जो प्रॉपर वैदिक मेथड से जो बनाया जाता है घी उसमें काफ़ी सारा दूध यूज होता है तो कितना दूध यूज होता है एग्जैक्टली उसके ऊपर हम लोग पूरा आज वीडियो बनाने वाले हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिए आपको पता लगेगा कि एक लीटर घी बनाने के लिए कितना दूध का इस्तेमाल किया जाता है तो हमने इसके लिए इनमें दोनों में मटकों में नाप के चौदह चौदह लीटर ए टू गाय का हमारी जो देसी गाय होती है इंडियन ब्रीड की उनका घी ले दूध ले लिया है इसके अंदर और अभी हम लोग इनको गर्म करने के लिए रख देंगे तो इन दोनों मटकों में हमने चौदह चौदह लीटर दूध ले लिया है टोटल अट्ठाईस लीटर दूध ले लिया है और अट्ठाईस लीटर दूध में ही हम नापेंगे कि कितना घी इनसे निकलता है अट्ठाईस लीटर हम इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना होता है कि 25 लीटर होता है या फिर 30 लीटर 35 लीटर इस्तेमाल किया जाता है तो हमने एक 25 के एवरेज पकड़ के चली है कि 25 से 30 लीटर के बीच में जो है एक लीटर घी बन जाता है क्योंकि हमारा घी बनाने का एक्सपीरियंस भी है और हम आज की वीडियो में देख भी लेंगे कि कितना लीटर दूध जो है इस्तेमाल होगा तो इसी वीडियो में बने रहिए तो अभी हमने अपने मिट्टी के बर्तनों को गर्म होने के लिए हारे पे रख दिया है और नीचे जो गाय के जो कंडे हैं जिनको उपले बोलते हैं इनको इनके ऊपर गर्म होने के लिए दिन भर के लिए रख दिया है और ये धीमी धीमी आँच पे पूरे दिन भर के लिए हमारा दूध गर्म होता रहेगा और इसको शाम को उतार लिया जाएगा तो ये देखिए दूध को ऊपर रख दिया अब ये दिन भर गर्म होता रहेगा और नीचे वाले आग को एक से दो बार चेंज कर देंगे नए उपले डालते रहेंगे तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और सभी मटकों को दूध गर्म करने के लिए जो रखे थे उनको उतार लिया है उतार तो हमने पहले ही लिया था और अभी टाइम हो चुका है सात बज गए पूरे पूरे शाम के और हमने इनको साढ़े पाँच बजे के लगभग उतार लिया था उसके बाद में इनको डेढ़ घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि जब दूध जो जमन लगाते हैं उसका टेम्परेचर उस टाइम पे लगभग फोर्टी डिग्री के आसपास होना चाहिए तभी अच्छा दही जमता है तो इसके लिए हमने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था और उस बीच में गायों की मिल्किंग हो जाती है और अभी इन मिट्टी के बर्तनों को जिनमें दूध गर्म किया था उनको इन मिट्टी के बर्तनों में इस दूध को इसके अंदर पलटी कर देंगे और ये जो गर्म करने के बर्तन अलग होते हैं दूध को और शाम को दही जमाने के बर्तन अलग होते हैं और बर्तन दोनों मिट्टी के ही होते हैं तो जिनमें गर्म करते हैं उनके अंदर दही नहीं जमाते और इसके अंदर अभी पलटी करने के लिए पलटी करके दूध को फिर उसके अंदर लस्सी या फिर uh, दही डाल के एज ए स्टार्टर उनको पूरी रात के लिए एक सर्टेन जो थोड़ा गर्म टेम्परेचर होता है वहां पर रख देंगे उनको ढक के ताकि सुबह तक दही जम जाए तो अभी पलटी कर देते हैं ये देखिए ये बिल्कुल मलाई आ गई दूध पे और उसमें भी देखो बिल्कुल मलाई आ गई और उसको उनके अंदर पलटी कर देंगे अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और अपना जो दही है बन के रेडी हो चुका है तो देखते हैं कि दही कैसा बना तो ये देखिए ये क्वालिटी है दही की ये दही इतनी अच्छी क्वालिटी का बन चुका है अपना ऊपर दही के ऊपर मलाई आ चुकी है क्रीम जिसको बोलते हैं और नीचे अपना एकदम प्योर दही ये देखिए और अभी जो ये दही आ चुका है इसका बिलोना प्रोसेस शुरू करेंगे कि इसके अंदर बिलोना डाल के धीरे धीरे मंथन शुरू कर देंगे दही का और ये प्रोसेस एक मटके के लिए 40 मिनट की रहती है 35 से 40 मिनट का टाइम लगता है एक मटके में तो इन तीनों मटकों की प्रोसेस कर लेंगे बाकी हमने नाप दो मटकों का रखा है तो इन दो का ही आपको दिखाया जाएगा सुबह सुबह के टाइम पर मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर पूरे दही का बिलोना करते हैं और इसको हम लोग एक एक्सरसाइज़ की तरह देखते हैं क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे बिलोना करने से लगभग एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है और अभी वो वीडियो शूट कर रही है क्योंकि घर पर वीडियो बनाने वाला कोई और है नहीं तो हमने वीडियो इसके ऊपर पूरी बना रखी है कि आपका बिलोना विधि कैसे होती है और इसको बाद के ऊपर भी पूरी स्क्रैच से वीडियो बना रखी है कि आपका घी जो है गाय का दूध निकालने से लेकर पैकिंग तक क्या प्रोसेस रहती है घी बनाने की तो उन दोनों ही वीडियो का लिंक का वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा तो उनको भी ज़रूर आप चेकआउट करें इस बिलोना प्रोसेस में लगभग 35 से 40 मिनट का टाइम लगता है एक मटके में और उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे मक्खन आना ऊपर स्टार्ट हो जाता है तो अभी लगभग डेढ़ घंटे का टाइम हो चुका है और सभी मटकों का बिलोना कंप्लीट हो चुका है और सभी के अंदर ऊपर मक्खन आ चुका है तीनों मटकों के अंदर और हमने जो ट्वेंटी लीटर जो वजन दूध डाला था उसमें एक ये और एक वो वाला मटका तो इन दो में डाला था बाकी जो बीच वाला है इसका हमने वेट नहीं किया तो उनका दो का ही वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं हम लोग कि इनमें से कितना लीटर जो ट्वेंटी एट लीटर मिल्क है उसके अंदर कितना घी निकलता है तो इन दो का ही हम लोग करने वाले हैं इसका एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर से इसका मक्खन अलग से निकाला जाएगा और उन दो का इकट्ठा निकालेंगे और अभी जो मक्खन आया है वो ये देखिए आप लोग इतनी अच्छी क्वालिटी का मक्खन आया है और इस मक्खन को भी डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है लेकिन इसकी लाइफ जो स्टोरेज लाइफ है सेल्फ लाइफ वो काफ़ी कम है ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अंदर इसके अंदर लस्सी का और आपके पानी का कंटेंट ज्यादा होता है तो अभी सभी का मखन निकल चुका है इसका और उस वाले मटका का इसके अंदर निकाल लिया और उसके का उसके अंदर निकाल लिया और इस मक्खन को अभी इसके अंदर हांडी के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर गर्म करने के बाद घी बन जाएगा अपना तो वो प्रोसेस आपको दिखा देंगे अभी जो बाकी बच गई वो लस्सी बच गई और इस लस्सी की गाँव के अंदर कोई मार्केट नहीं होती तो इसको दोबारा से गाय को पिला देंगे और क्योंकि सभी के पास गाँव में अपनी लस्सी होती है तो अभी आगे के प्रोसेस दिखाते हैं आपको इसके अंदर डाल के घी को मक्खन को गर्म कर लेंगे तो अभी हमारा घी बन के रेडी हो चुका है और हम ये तोलने वाली वेटिंग मशीन भी लेके आ गए हैं इस पर वजन कर लेंगे कि कितना घी हो गया हमारा तो हांडी के अंदर जो घी तप गया था आ, मतलब हमने गर्म कर लिया था घी को तो इसके अंदर घी ऊपर आ गया है और जो लस्सी थी जो छाछ थी वो नीचे जम गई और पानी जो था वो ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे जम जाता है तो इसमें प्योर घी जो है ऊपर आ जाता है तो इसको थोड़ा निथार के इस जार के अंदर फिल कर लेंगे तो हमारे खाली जार का वेट कर लेते हैं अब खाली जार का वेट फिर जीरो करके उसके बाद कर लेंगे तो अभी हमारे खाली जार का वेट हो गया फोर फोर्टी ग्राम तो इसको जो है हम लोग जीरो कर लेते हैं और इसके बाद इसमें घी गी घी फिल करेंगे तो फिर प्रॉपर घी का हमारा नेट वेट निकल जाएगा कि घी का वेट कितना है जो अट्ठाईस लीटर दूध से हमने बनाया है तो अभी आ, जार के अंदर फटाफट से घी फिल कर लेते हैं वायु की हमने एक जार का वेट जीरो किया था, लेकिन इसके अंदर घी जो है एक लीटर से ज्यादा बन गया तो इसलिए हमारे खाली जार, भी भी तो तो जार, तो जार लिए के साइज के तो इनका वेट भी जीरो कर लेते हैं इन दो का वेट जीरो कर लेते हैं तो अभी दो का वेट जीरो कर लिया तो अभी इसके अंदर से पूरे का पूरा हमने घी निकाल लिया है इसके अंदर जो रेस्ट में जो बच गया वो थोड़ा बहुत वो ऊपर घी की एक पपड़ी है और बाकी नीचे लस्सी है जो कि पूरे की पूरी गाय के खाने में मिला देंगे दोबारा तो अभी हमारा जो घी का जो नेट वेट बना है वो बना है एक के और ट्वेंटी ग्राम तो हमारा जो मतलब आपको अगर कैलकुलेट करें तो लगभग पच्चीस लीटर दूध के अंदर एक लीटर के लगभग घी बन जाएगा अगर एस्टिमेट मोटा मोटी देखें तो अप्रोक्सीमेटली इतना बन जाएगा और अगर केजी में देखें तो 28 लीटर से हमारा बना है एक किलो और 20 ग्राम प्रॉपर घी बन गया नेट वेट हमारा घी का आ गया किसी का थोड़ा कम आ सकता है किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा आ सकता है यानी कि किसी का चौबीस या तेईस लीटर में बन सकता है अगर किसी के अच्छी फैट आती है किसी की गाय में तो दूध के अंदर अगर अच्छी फैट है तो अगर किसी के अंदर तीस से जो है बत्तीस तैतीस लीटर में भी एक लीटर घी बन सकता है तो ये थोड़ा सा वेरी करता रहता है लेकिन आसपास में आएगा आपका पच्चीस से छब्बीस तेईस के आसपास में ही आपका रह जाएगा एक लीटर घी तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे फार्म से आप इस घी को खरीदना चाहते हैं तो हमारा जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी सुद्ध स्टोर डॉट कॉम साइट जो हो ऊपर दिखाई दे रही है वहाँ पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं इस घी को अपने घर पे ऑल ओवर इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी और होम डिलीवरी अवेलेबल है